हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज मैं आपको लाइव नहीं ऑफलाइन डेमो दिखा रही हूँ। आज हमारा सॉफ्टवेयर में कुछ कुछ शेयर्स मैंने सेलेक्ट किया है, तो उसमें हमारा सॉफ्टवेयर ने कैसे सिग्नल दिया, आज का परफॉर्मेंस मैं आपको दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं लाइव मार्केट होगा तो ऊपर यहाँ पे ना मार्केट लाइव मार्केट रेट डिस्प्ले होगा, एंड दिस रेड डाउन आर सेल सिग्नल, ग्रीन अप आर बाय सिग्नल। सिग्नल आते टाइम पे आपकी स्क्रीन में इसी तरह के अलर्ट मैसेज आएगा, वो भी एक साउंड इफेक्ट के साथ। इसके अंदर लिखा हुआ आ जाएगा क्या रेट पर बाय करना है, क्या रेट पर सेल करना है, वो प्राइस के साथ हमें अलर्ट मैसेज मिलेगा। लेकिन हमेशा इसमें हम डायरेक्ट ट्रेड लेने से पहले इसका कंफर्मेशन चेक करना होगा। अगर सेल सिग्नल एक्टिव होगा तो हमें चेक करने का ऑप्शन है कि वेदर वो सिग्नल नीचे जाएगा या नहीं, वो चेक करने के लिए हमारा कंफर्मेशन इंडिकेटर्स है। जैसे लास्ट सिग्नल के हिसाब से अगर हम चेक करेगा तो लास्ट सेल सिग्नल मिला था, तो सेल का फर्स्ट कंफर्मेशन आप सीधे नीचे देखिए, प्राइस यहाँ पे सेल जोन करके लिखा हुआ आना चाहिए। एंड सेकंड कंफर्मेशन सिग्नल के नीचे एक बार आप देख सकते हैं, कंफर्म एक पट्टी जैसा है ना, वो हमारा कंफर्मेशन बार है। वो बार का कलर भी रेड आना चाहिए। ओनली दो ही कंफर्मेशन है सिग्नल आने के, सिग्नल आना चाहिए, उसके हिसाब से आपको कंफर्मेशन चेक करना होगा। सेल सिग्नल एक्टिव होगा तो प्राइस यहाँ पे सेल सोन करके लिखा हुआ आना चाहिए, एंड ए बार का कलर रेड आना चाहिए। ओनली दो ही कंफर्मेशन है। उसी तरह बाय सिग्नल एक्टिव होगा तो प्राइस यहाँ पे बाय जोन में आना चाहिए, एंड एरो के नीचे ये बार है ना वो ग्रीन आना चाहिए। दैट मीन्स तो ये सिग्नल के हिसाब से देखेंगे तो मीन्स आज टेक महिंद्रा में आज हमें तीन सिग्नल मिला था, एक सेल सिग्नल मिला था। आप देख सकते हैं सेकंड हमेशा हमें एंट्री करना होगा सेकंड कैंडल पे है, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली कंफर्मेशन हमें मिला था थर्ड कैंडल पे। तो वहाँ पे मार्केट में जो रेट आपको मिलेगा ना वही रेट पर हम ट्रेड ले सकते हैं। तो वहाँ से काफ़ी मार्केट नीचे भी गया था, थर्ड कैंडल पे हमने एंट्री लिया था, यहाँ ऑलरेडी काफ़ी नीचे गया मार्कर। उसके बाद जो बाई सिग्नल मिला था वो कंफर्म नहीं है, क्योंकि नीचे का बार कंफर्मेशन नहीं था। एंड थर्ड सिग्नल जो लास्ट वाला सिग्नल पे हम एक्चुअली ये सिग्नल कंफर्म था, लेकिन ये इंट्राडे का चार्ट है, तो इंट्राडे के चार्ट में आप ऊपर चेक कीजिए 320 को हमें सिग्नल मिला, मीन्स मार्कर क्लोज इन टाइम पे हमें सिग्नल मिला था। लेकिन ये क्लोज इन उसमें हम डेफिनेटली ट्रेड नहीं करते ना, मार्केट के क्लोज इन टाइम पे जो सिग्नल आता है उसमें हम ज़्यादातर ट्रेड नहीं करते। तो हाँ जी, टेक मंत्री के हिसाब से आज हमें तीन सिग्नल मिला था, उसमें एक ही सिग्नल हमें कंफर्म मिला था, उसमें हम ट्रेड किया तो डेफिनेटली वो हमें प्रॉफिट भी मिला। एंड इसमें आप देख सकते हैं ये जो रेड स्टार्स ऊपर है और ब्लू स्टार्स नीचे है ना, ये रेड स्टार्स रेजिस्टेंस लेवल है एंड नीचे का ये सपोर्ट लेवल है। दैट मीन्स जो कैंडल सपोर्ट को ब्रेक किया तो डेफिनेटली मार्केट नीचे जाएगा, एंड रेजिस्टेंस को ब्रेक किया तो मार्केट ऊपर चला जाएगा। एंड एक कैंडल के हिसाब से आप देखिए तो नॉर्मली कैंडल का कलर रेड एंड ग्रीन है, लेकिन ये रेड एंड ग्रीन के अलावा कुछ एक्स्ट्रा कलर्स इसमें आएगा, जैसे ऑरेंज कलर, लाइट ब्लू, एमडी कैंडल एंड वाइट कैंडल। तो ये सभी साइडवे का इंडिकेशन दे रहे हैं, मीन्स मार्केट अगर साइड व्यू होगा तो ऑटोमेटिकली एक कलर चेंज करके देगा, कैंडल का कलर चेंज करके आएगा, तो हमें एक इंडिकेशन दे रहे कि इज गोइंग साइड वे। एंड जैसे मार्केट ही अच्छा मार्केट होगा तो जैसे हमारा टारगेट अचीव होने के बाद सिग्नल कंटिन्यू चलेगा, तो वहाँ पे सॉफ्ट हमें अगेन एक अपॉर्चुनिटी देगा री एंट्री करने का। री एंट्री मीन्स सॉफ्ट हमें एक नया एंट्री पॉइंट भी देगा एंड एक नया टारगेट भी देगा, वहाँ पे हम अगेन इस पर ट्रेड ले सकते हैं। एंड ITC अगर हमने लिया तो आप देख सकते हैं सुबह फर्स्ट हमें एक सेल सिग्नल मिला था, वो आप देख सकते हैं कंफर्म सिग्नल था, वो काफ़ी नीचे गया था। यहाँ पे ये कैंडल पे हमें सिग्नल मिला तो हमारा एंट्री पॉइंट है सेकंड कैंडल है, वो सेकंड कैंडल पे ये कंफर्म हुआ था, कंफर्मेशन मिला था हमें, वो काफ़ी नीचे गया है। और सेकंड सिग्नल सेकंड बाय सिग्नल था लेकिन ये कंफर्म नहीं था, क्योंकि नीचे का बार कंफर्मेशन नहीं था। एंड थर्ड सिग्नल सेल सिग्नल कंफर्म था, उसका डिटेल्स अभी ऊपर आप देख सकते हैं, सेल सिग्नल कंफर्म था, प्राइस सेल जोन में था एंड बार का कंफर्मेशन था। तो ये तीनों दो टारगेट अचीव हुआ था, दो टारगेट हमें मिला था। एंड टाटा स्टील में देखेंगे तो टाटा स्टील में हमें तीन सिग्नल मिला था, तो उसमें फर्स्ट सिग्नल सेल सिग्नल था, इसका सेल सिग्नल हमें यहाँ पे मिला तो हमें एंट्री करना होगा नेक्स्ट कैंडल पे, लेकिन उस समय हमें कंफर्मेशन नहीं मिला था, हमें कंफर्मेशन ये अराउंड दिस कैंडल पे मिला था। तो वो कैंडल पे मार्केट में जो रेट होगा वही रेट पे हम ट्रेड ले सकते हैं, वो भी नीचे गया था। एंड सेकंड सिग्नल एक बाय सिग्नल था लेकिन वो कंफर्म नहीं था, क्योंकि नीचे का बार कंफर्मेशन नहीं था। एंड थर्ड सिग्नल का डिटेल्स आप सीधे ऊपर देख सकते हैं, सेल सिग्नल हमें मिला था, वो रेट यहाँ पे है एंड 89.50 पे, एंड टाइम भी है वो भी
काफ़ी तीनों टारगेट अचीव हुआ था। एंड जैसे लाइव मार्केट में, लाइव मार्केट में हुआ तो है ना, अब जैसे जैसे मैंने अभी कहा ट्रेंडी मार्केट में हमारा टारगेट अचीव होने के बाद भी सिग्नल कंटिन्यू चलेगा तो ऑटोमेटिकली वो रीएंट्री आ जाएगा, तो रीएंट्री के हिसाब से भी हम दोबारा इसमें ट्रेड ले सकते हैं। अभी मैं अभी ऑफलाइन दिखा रही हूँ इसलिए वहाँ पर रीएंट्री सेशन नहीं दिखा रहे। लाइव मार्केट में होगा तो मूवमेंट भी अच्छा होगा तो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली हमें रीएंट्री सजेशन देगा। तो ये एक्चुअली ये सॉफ्टवेयर जो स्ट्रैटेजीज है ना एनएससी में भी, एनएससी के अलावा एनएससी में सपोर्ट करते हैं, उसके अलावा एमसीएक्स है, एनएससी का कैश है, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, करेंसीज, अग्री, कॉमेक्स, फॉरेक्स, ऑल मेजर फिनेंशियल मार्केट को सपोर्ट करते हैं। एंड इसमें आप स्कैल्पिंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं, शॉर्ट टाइम एंड लॉन्ग टाइम पोजीशन ट्रेडिंग कर सकते हैं। उसके हिसाब से आपको जस्ट टाइम फ्रेम को सेट करना होगा। नॉर्मली स्कैल्पिंग हम 1 मिनट पे करते हैं, इंट्राडे नॉर्मली 5 एंड 15 मिनट पे करते हैं, शॉर्ट टाइम पोजीशन ट्रेडिंग हम 1 आवर या 4 आवर में करना होगा। अगर आप लॉन्ग टाइम पोजीशनिंग करना चाहते हो D1 या वीकली, डेली या वीकली के चार्ट पे करना होगा, उसको जस्ट क्लिक कीजिए वो चेंज होगा, उसके हिसाब से हमें सिग्नल मिलेगा, उसमें हमें फॉलो करना चाहिए। इसके अलावा देख सकते हैं बिटकॉइन भी है, क्रिप्टो करेंसी, वो सभी का सिग्नल हमें मिलेगा। जो चार्ट हमें जो हमें चाहिए ना वो सभी हम ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा इसके साथ हम अभी हमारा रनिंग पोर्शन 8.1 है, इसमें हमारा एक स्कैनर भी है 1.2, स्कैनर 1.2, इसमें हम जिसमें आप ट्रेड करना चाहते हैं जो चार्ट वो सभी चार्ट इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली इसमें सिग्नल मिलेगा। तो इसमें भी सिग्नल मिलेगा तो डायरेक्ट ट्रेड नहीं करना है, हमें चार्ट ओपन करके चेक करना होगा वो सिग्नल कन्फर्म है या नहीं, कन्फर्म होगा तो हम ट्रेड ले सकते हैं, नहीं तो नहीं करना चाहिए। एंड जो अभी मैंने आपको दिखा है ना, ये आप लाइव देखना चाहते थे, आप लाइव इसका डेमो देखना चाहते हैं तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। माय नेम इज गंगा एंड आप मुझे कॉल कर सकते हैं, माय नंबर इज 9061973737, ये मेरा ऑफिशियल नंबर है, इसमें ऑफिशियल व्हाट्सएप भी है, उसमें आप मैसेज भी कर सकते हैं। अदरवाइज आप हमारा वेबसाइट में भी विजिट कर सकते हैं, www.wintradersoft.com। फास्ट इंक्वायरी, फास्ट रिस्पॉन्स के लिए आप डायरेक्ट मुझे कॉल ही कीजिए, नहीं तो व्हाट्सएप पर भी मैसेज डाल सकते हैं। Thank you.